नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल कॉल पोस्ट। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देशन एवं शिव कुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के पर्यवेक्षण एवं कृष्ण कुमार पांडे SDOP मोरवा सिंगरौली निरीक्षक विद्यावारिधि तिवारी के कुशल मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी बांधौरा संदीप नावदेव को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर जो अवैध रेत से लोड कर खोखरी की तरफ जा रहा था। अवैध रेत की सूचना तस्दीक हेतु चौकी प्रभारी महोदय द्वारा टीम बनाकर खोखरी तरफ रवाना किया गया, जहां पुलिस टीम द्वारा कुड़िया नाला के पास एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गया। मौके पर ट्रैक्टर को चेक किया गया जिसके लाल नीली रंग की ट्रॉली में अवैध रेत लोड पाया गया। उक्त ट्रैक्टर चालक एवं वाहन स्वामी का यह कृत अपराध धारा 379-414 भारतीय दंड विधान 4/21 बखान खनिज अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से मौके पर गवाहों के समक्ष दिनांक 8/1/2024 जब्ती पत्र के ट्रैक्टर को जब्त कर कब्जे में ले लिया गया है। ट्रैक्टर को ट्रॉली में लोड रेत सहित पुलिस चौकी बंधौरा में लाकर सुरक्षा चौकी परिसर में खड़ा किया गया है। ऐसे ही खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल कॉल पोस्ट पर। धन्यवाद।